नमस्कार मित्रों, मैं हूं तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टूट के चैनल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मैं इस वीडियो पर बताने जा रहा हूं, पत्थर दिल वाली औरत भी आपके प्यार में पिघल जाएगी। गड्ढे में डाल दो एक लौंग, सिर्फ एक लौंग अगर आप गड्ढे में डाल देते हैं तो पत्थर से पत्थर दिल वाली स्त्री, कठोर से कठोर दिल वाली औरत आपका प्यार में पिघल जाएगी। यदि आप किसी स्त्री से मोहब्बत करते हैं, बेतहाशा प्यार करते हैं, यहां तक कि आप हंसी मजाक भी करते हैं, फिर भी वो स्त्री आपको प्यार नहीं करती है, ऊपर ऊपर मन से आपसे खाली बात करती है, बात बोलते हैं फिर भी वो नजर अंदाज कर देती है, और लेकिन आपका दिल उसका प्यार चाहता है लेकिन वो आपको प्यार नहीं करती है। लेकिन आप क्या है, एक तरफा प्यार में आप उलझे हुए रहते हैं और आपको लगता है कि वो स्त्री आपको प्यार करती है। अगर वो स्त्री आपको प्यार नहीं करती है, आप कितनों भी दिल से प्यार करते हैं लेकिन उसकी दिल इतनी कठोर है, उसकी दिल इतनी पत्थर दिल है कि वो आपके तरफ पिघल नहीं रही है। तो सिर्फ एक लौंग का चमत्कार ऐसा है कि उस लौंग को अगर आप गड्ढे में डाल देते हैं तो स्त्री आपको जो है प्यार करने लगेगी, उसकी दिल पिघल करके आपके ऊपर में हो जाएगी। तो आखिर उस लौंग को किस दिन गड्ढे में डालना है, कहां डालना है, मैं सारे विधि आपको बता रहा हूं। आप मेरे वीडियो पर आखिरी तक बने रहे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगे तो प्यार से एक लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स पर जाकर के हर हर महादेव जरूर लिखे। मित्रों, लौंग की इतनी शक्तिशाली, इतनी चमत्कार, इतने पावरफुल वशीकरण होता है कि लोग जो है उसकी प्रयोग सही से नहीं कर पाते हैं। लौंग के टोटके के बारे में सही से जानकारी नहीं होने के कारण वो लोग कर नहीं पाते हैं। तो आज मैं पूरी विधि बता रहा हूं, सिर्फ एक लौंग से किसी भी स्त्री को आप कैसे अपने तरफ दीवानी बना सकते हैं, कैसे अपनी तरफ प्यार में उसे झुका सकते हैं, कैसे उसकी पत्थर दिल को जो है आप पिघला सकते हैं। तो मित्रों, यदि आपने हमारे चैनल पर पहली बार आया है, मेरे वीडियो पर पहली बार आया है, तो मेरे वीडियो को सर्वप्रथम आगे देखने के लिए आपके ही मोबाइल स्क्रीन पर सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे और बगल में बेल घंटी को जरूर ऑल कर दे ताकि आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो मित्रों, आपको करना क्या है, आपको शनिवार के दिन में एक सफेद का कोरा कागज लेना है, सफेद कोरा कागज, एक टिकिया कपूर लेना है और थोड़ा सा लाल सिंदूर लेना है, जो सिंदूर पूजा में चढ़ाते हैं। ये तीन चीज को आप एकत्रित कर लीजिएगा। शनिवार के दिन में जब भी रात को 12 बजेगा, कांटा 12 बजे घड़ी पर देख लीजिएगा, और घड़ी से जैसे 12 बज के पार होगा कांटा, उसी समय इस क्रिया को कर। क्या करना है, एक सफेद कागज पर काला रंग का जेल कलम हो या मार्कर कलम हो, चाहे कोई भी काला कलम होना चाहिए, काला रंग का, और काला स्याही वाला कलम से आपको क्या करना है, वो अगर शादीशुदा स्त्री है तो उसका नाम लिख लीजिएगा, उसका पति का नाम जरूर लिखिएगा। यदि उस शादीशुदा स्त्री नहीं है, कोई लड़की है, तो उसका नाम लिखिएगा, तो उसका बगल में उसका पिता का नाम जरूर लिखिएगा या मां का नाम जरूर लिखिएगा, जो भी आप जानते हैं, पिता या मां का जो भी नाम आप जानते हैं उसको लिख दीजिएगा। नीचे में आप अपना मकसद को लिखिएगा कि आपका मकसद क्या है, लेकिन सही प्रयोग कीजिएगा, गलत प्रयोग में नहीं, सही प्रयोग कीजिएगा, आपको सही रिजल्ट मिलेगा। आप उसको ऊपर में नाम लिखिएगा, उसका अपना मकसद को लिखिएगा, और उसके सबसे नीचे में आप अपना नाम लिखिएगा, अपना पता लिखिएगा, ठीक है।
उसके बाद उसके ऊपर में कपूर को रखना है और एक लौंग को रखना कपूर के ऊपर में और थोड़ा सा सिंदूर उसको छिड़क देना है। और एक मैं मंत्र बता रहा हूं, यह मंत्र को जाप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम आदि पुरुषाय अमुक स्त्री माम अवश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा, उसके तरफ देख करके बोलना है, लौंग कपूर के ऊपर नाम के ऊपर देख करके बोलना है। ओम ह्रीं आदि पुरुषाय अमुक स्त्री माम अवश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा, ओम ह्रीं आदि पुरुषाय अमुक स्त्री माम अवश्यम वश्यम कुरकुर स्वाहा, ये मंत्र को 108 बार बोलना है। अब बोल करके अब उसके बाद उस कपड़े में वो जो देख रहे कागज पर जो नाम लिखे थे उसको फोल्ड करके आप तकिए के नीचे रख करके सो जाइएगा। और जब भी सुबह हो जाए तो सूर्य उदय से पहले आपको घर से किसी दूर जगह चले जाना है, कोई मैदान वगैरह कोई फांका जगह में, और आपको 1.5 फीट गड्ढा करना है, 1.5 फीट गड्ढा करना है जमीन में, और गड्ढे के अंदर में उस चीज को डाल करके फिर से दफन कर दीजिएगा और पीछे मुड़ के बंदे के सीधे घर वापस आ जाएगा। जब तक वो दबा हुआ रहेगा गड्ढे के नीचे, वो पत्थर से पत्थर दिल वाले मिस्त्री भी जो है वो आपके तरफ पिघल करके आपके पास में आएगी, आपसे बात करेगी, आपसे प्यार करेगी। बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग है, इसे अवश्य करके देखे, आपको सफलता मिलेगी। इसी आशा उम्मीद के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। जय माता राम।